सामना कर रहे हैं मनोज। ओ, और इस बार बोल्ड कर दिया कमेंटेटर्स कर्स। अगर अंपायर अंपायर नाम बन दिया अपने दूसरे ओवर की अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर एक और अपील, लेकिन एम्पायर ने नकारा उसे। घातक गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी गेंदबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। विकेट मिलने के बाद में बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है यहाँ पर। बेहतरीन क्रिकेट। और पहली ही गेंद पर 4 रन के लिए भेज दिया है। निश्चित ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस शॉट से यहाँ पर श्रेय को। बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में लगाया हुआ यह शानदार शॉट 4 रनों के लिए। अंकित को काफी कॉन्फिडेंस देगा यह शॉट। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। शानदार गेंद। मनीष आए हैं अगले बल्लेबाज और आते ही उन्होंने पॉइंट की तरफ 4 रन के लिए भेज दिया है। और इसी की तरह एक शानदार गोल और पीछे कैच ऊपर के हाथों लपके गए। और इसी के साथ शानदार उठाकर खेल दिया है मनीष ने। फील्डर नीचे देखते क्या होता है और ये जोकर यहाँ पर मनीष का दूसरा कैच ड्रॉप करते हुए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं मनीष। बहुत ही और इसी के साथ एक और विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को चेतन। और पूरे तरीके से धराशायी कर दिया है यहाँ पर।
फाइव बडीज को अशॉट 4 रन के लिए भेज दिया है। देख रहे होंगे दोनों ही बल्लेबाज, और एक और बेहतरीन शॉट सामने की तरफ, फील्डर मौजूद है, सीधा हाथों में, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, और उसी प्रयास में अपना विकेट गंवाते हुए अच्छी बल्लेबाजी करके जाते हुए अर्पित। अच्छी वापसी यहां पर ध्रुव की, लगातार टारगेट किया था उन्हें इस ओवर में, लेकिन इस बार गति में मिश्रण के कारण ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। लॉन्ग पर फील्डर मौजूद था, बल्लेबाज का नाम बता सीधा देना। हाथों में गेंद और आसानी के साथ उसके, इस तरह के अतिरिक्त रन आपको देना नहीं होंगे अंतिम ओवर में। एक और एक साइड की तरफ थी है गेंद, लेकिन बाउंड्री के लिए भेज दिया उसे फाइन लेग की तरफ। छोड़ देते तो निश्चित ही वाइड होती है गेंद। 40 रन का स्कोर, एक कॉम्पिटिटिव स्कोर होगा। खराब लाइन, पनिश किया उसे 4 रन के लिए। काफी लंबा और महंगा ओवर साबित होता हुआ यह पैटर्न की टीम के लिए। खराब लाइन पर लगातार गेंदबाजी, अंतिम बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाइन लेंथ को संभाल कर आपको बॉल डालना होगी, जल्द से जल्द विकेट लेकर इस पारी को समाप्त करने की ओर देखना होगा। शिव कुमार के बल्ले से निकलता हुआ है पूरे तरीके से छका है यहाँ पर 4 रन के लिए। पहुंच होने वाला है स्कोरिंग के लिए, जो उसके वीडियोस भी इसमें शेयर करेंगे। तो आई होप कि हम ये टूर्नामेंट अच्छी हाइट दे सके और आप लोगों के सहयोग से दे सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये रिप्ले आप देख रहे हैं, बॉलर डाल रहा है बॉल और ये बॉल बैट का एज लग के वहीं रह गई, तो रन नहीं बना इस बॉल पे, डॉट रही है बॉल और बैट लग नहीं लगता। तो शायद सामना करेंगे रोहन, और उठा के मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बाउंड्री प्राप्त की, बहुत ही अच्छा शॉट खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा, और कोई मौका नहीं। ये देखिए रिप्ले में जैसी बॉल मिली थी, मारना मन बना लिया था कि इस बॉल पे वो हिट करेंगे, और सेम वही किया, और नतीजा 4 रन कमाए अपनी टीम के लिए, 4 रन और जोड़े अपने स्कोर। लेफ्ट साइड पे बॉल था और घुमा दिया है, काफी लंबा छक्का पहली ही बॉल पर। विष्णु सोच रहे थे कि शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाएं इस बॉल पर, मगर बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया, और फायदा उठाते ही आप देख सकते हैं रिप्ले में कितना बॉल ट्रैवल किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो पिकअप कहते हैं, लेफ्ट साइड में पिकअप किया उस शॉट को और बाउंड्री लाइन के बाहर। बॉल और एक और बॉल उसी दिशा में पटका हुआ, मगर पीछे इस बार फील्डर मौजूद, और मिसफील्ड का नतीजा खामियाजा भुगता 4 रन। रोक सकते थे, मगर ऐसा लगा
कि शायद रोक सकते थे या बॉल उनके सामने आते आते कहीं और ट्रैवल कर गया। जैसे कि रिप्ले में देख पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पाए बॉलर, और शायद अब दोनों जो बैट्समैन हैं काफ़ी देर से क्रीज पर हैं, उनकी आई भी सेट हो चुकी है दोनों के बीच में, भरोसा दिखा रहे हैं एक दूसरे पर। रेको बॉल पटका हुआ और सीधे सामने खा गए हैं स्टंप के, पग बाधा, और इसी के साथ में पवेलियन की ओर, और शिव कुमार ने अपनी टीम को दिलाया पहला ब्रेक थ्रू। अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे रोहन, सामने का बॉल था, शायद बहुत लंबा मारना चाह रहे थे इस बॉल को, मगर महस पवेल। शिव कुमार एक बार फिर से रन अप पर, और फुल टॉस और घुमा दिया है गैप में, और इसी के साथ चार रन। और जब नया बैट्समैन आया हो, अभी अभी ब्रेक थ्रू मिला हो, और आप उसे अगर ऐसे गिफ्ट देंगे, तो ये जो बड़ा टारगेट होता है ये भी छोटा लगने लगता है, क्योंकि जब बॉल गैप्स में जाती है और बाउंड्री की तरफ ट्रैवल करती है, तो उससे खासा मोटिवेशन जो है बॉलर्स का और फील्डिंग साइड का हल्का सा डाउन होता है, कि ऐसे गिफ्ट आप ऐसी जगह करने गए थे, मगर देखना होगा अगली बॉल पर क्या करते हैं। एक और फुल टॉस और एक और बॉल गैप में। इस ओवर में एक विकेट तो शिव कुमार ने लिया है, मगर जो बॉल उनकी जो लाइन लेंथ है उससे हल्का सा भटके हैं, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जैसे कि रिप्ले में आप देख सकते हैं कि मोंटू तैयार खड़े थे, और वहीं जहां वो बॉल चाह रहे थे वहीं उन्हें बॉल मिली, और एक और निकल कर मारा है, और मनीष सिंह सोलंकी के हाथ में बॉल, मोंटू क्लियर नहीं कर पाए, काफी अच्छा शॉट खेला था मगर फील्डर को खोज बैठे बाउंड्री लाइन पर। इसी के साथ अपनी टीम का दूसरा विकेट गवाया मोंटू के रूप में ट्राइटन्स ने। शॉट तो बहुत अच्छा खेला था, बॉल भी रेंज में आ गए थे, आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल किया था, मगर अगर इसी बॉल को थोड़ा सा और सीधा खेलते तो शायद बाउंड्री अर्जित कर सकते थे, मगर क्योंकि बैट फ्लो के साथ में थोड़ा सा चांस ले सकते हैं विनय, और इसी के साथ चांस लेने का प्रयास किया था मगर नकारा प्रथमेश ने, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे एम्पायर हैं, उन्होंने मना किया कि नहीं ये बॉल विकेट को जाकर नहीं लग रही है, लेग साइड मिस किया। अगली बॉल आशीष की, ये देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं आप, और लास्ट बॉल अपने ओवर की, और एक और शॉट, बहुत ही कड़क शॉट, और श्रेय कूदे श्रेय, मगर चार रन के लिए जो शॉट खेला गया था उसे नहीं रोक पाए, बॉल जो है चीरते हुए निकल गई खेतों की ओर, बाउंड्री अच्छी लाइन पर डाली, देखना होगा तीसरी बॉल। इसी के साथ फुल टॉस बॉल दी और कवर्स के ऊपर से अंशुमन ने अर्जित किया अपने पहले चार रन, और बाउंड्री इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 51 रन, 55 रन हो चुका है स्कोर। ये देखिए अभी तक दो तीनों बॉलें अच्छी फेंकी थी, सोच रहे थे कुछ एक्सपेरिमेंट करें, और इसी के साथ में बॉल छूटा और फुल टॉस, और इसी के साथ में अंशुमन ने सिर्फ गाइड किया बॉल को कवर्स के ऊपर से, और चार रन के लिए स्कोर बढ़कर सेटल कर रहे हैं अंशुमन, जो कि 12 गेंदों पर 9 रन, और इसी के साथ बहुत गैप में जो चाह रहे थे पिछली चार बॉलों से वो आखिरकार इस बॉल पर अर्जित किया उन्होंने, लास्ट बॉल पर आशीष की, और डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जो गैप था उसे भेद दिया बाउंड्री की तरफ, बॉल को पहुंचाया और चार रन और जोड़े अपनी ट्राइटन्स की इस इनिंग में। शिव कुमार अपना दूसरा ओवर का पहला बॉल लेके बढ़ते हुए, और बॉल फेंका हुआ बॉल रडार में है कवच की तरफ, विनय ने चलाया है बैट, और फील्डर से कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, बहुत ही कैजुअल अप्रोच, और इसी के साथ में एक और बाउंड्री जुड़ी।
साथ ही ये देखिए कवच की तरफ काफी ऊपर बॉल था और बहुत ही तरह एक कैजुअल अप्रोच के साथ में बॉल बाउंड्री की तरफ साथ एक अच्छे एफर्ट के साथ में तो बॉल रोक सकते थे। सामना करेंगे विनय, एक और बॉल और लेफ्ट साइड में बहुत ही करारा शॉट। ये जो गियर चेंज करने की बात थी शायद यही बात हुई होगी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बीच में और दर्शा दिया है पहली तीन बॉलों पे कि आप शायद रुकेंगे नहीं। ये देख सकते हैं आप रिप्ले में जैसे ही बॉल मिला लेग साइड में हल्का सा फ्लिक कुमार अपनी अगली बॉल लेकर बढ़ते हुए और फुल टॉस बॉल और काफी लंबा छक्का। अब जो गियर चेंज किया है विनय कुमार ने, माफी चाहूंगा विनय जी ने, बहुत ही लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यही बात हो रही थी कि पहले ओवर में भी जो लेड जो टप्पा ढूंढ रहे थे शिव कुमार वो ढूंढ नहीं पाए, काफी अच्छी बॉलिंग की इस ओवर में मगर आखिरी बॉल और इसी के साथ में हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल दिया श्रेय ने और उसी को गाइड कर दिया पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के लिए, बहुत ही अच्छा चौका जैसे कि रिप्ले में आप देख सकते हैं हल्की सी बाहर मिली बॉल और वेट करके बैट का फेस खोला और पॉइंट के प्लेयर के ऊपर से चार। के बाद में टाइटंस का स्कोर है 87 फॉर लॉस ऑफ टू विकेट्स। अब यहां से इन्हें शॉट खेलना चाह रहे थे मगर मनीष सिंह सोलंकी काफी अच्छा वेल जज कैच, बहुत ही अच्छे फील्डर हैं और अंशुमन जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे किसी भी तरह का कोई मौका देना नहीं चाहते गेंद बढ़ते हुए। गेंद फ्लिक कर दिया है, फील्डर मौजूद है और आसानी के साथ इस कैच को कंप्लीट करेंगे। क्रूशियल मोमेंट पर एक बढ़िया विकेट दिलाते हुए यहां पर विजेंद्र अपनी टीम को और दबाव में अच्छा कैच, शानदार वापसी करती हुई यहां पर टीम